हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये बेबी स्वेटर बनाना सीखेंगे। ये फुल स्वेटर बना हुआ है और इसमें मैंने कोई भी सिलाई कहीं पर भी नहीं लगाई है। सुई से कहीं भी इसमें सिलाई आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, इस तरह से बाजू में नहीं मिलेगी और यहाँ पर भी कोई भी मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई है। बिल्कुल सिंपल बुनते हुए मैंने इसे कंप्लीट किया है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इस स्वेटर को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें केवल आपको मेन चीज़ बताई है जो आपको स्वेटर बनाने में आसानी देगा। तो इस तरह के आपको मार्क चाहिए होंगे, या आप इस तरह के मार्क नहीं हैं तो आप धागा से भी मार्क बनाकर लगा सकते हैं, या आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्वेटर का वीडियो अपलोड करने के बाद में मैं इसका कैप भी बनाकर आपको बताऊंगी और इसकी जुर्राब भी बच्चों के लिए बनाकर बताऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्वेटर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, फ्रंट में इस साइड से आएगा, इस तरह से आएगा, और बैक साइड में सिंपल बनाया हुआ है मैंने। अगर आप चाहें तो इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपल बनाया है। केवल ये बीच में डिज़ाइन बनाई है और इस डिज़ाइन को मैं आपको दो तरह से बताऊंगी, जो कि मैंने पहला जो स्टेप है वो मैंने बता दिया है। ऊपर की साइड से नीचे की साइड को, यहाँ से बॉर्डर बनाने के बाद में ऊपर की साइड को पड़ेगी, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस स्वेटर को अपने बेबी के लिए बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं, या आपको किसी को देना है तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये स्वेटर। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरा स्वेटर आप इस तरह से बेबी के हेड पे डालेंगे तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं। एक साइड से भी ओपन कर सकते हैं, एक साइड के बटन खोलकर, और ये दोनों साइड से भी बटन ओपन हो जाते हैं। तो मैंने इसमें थ्री इस साइड में, देखिए फ्रेंड, थ्री इस साइड में और थ्री इस साइड में होल बनाए हुए हैं। ये बटन होल और यहाँ पर मैंने बटन स्टिच किए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीख लेते हैं इस बेबी स्वेटर को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए हम डबल वाला बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने 11 नंबर की नीडल ली हुई है, और इसके ऊपर जब बुनेंगे तो हम 10 या 9 नंबर की नीडल लगा सकते हैं। आप अपने ऊल के हिसाब से यूज करें। फ्रेंड्स, अगर आप डबल बॉर्डर नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से जो डबल वूल करके फंदे डाले जाते हैं, वो फंदे भी, नॉर्मल फंदे डालकर भी आप इस स्वेटर को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल बॉर्डर बनाया हुआ है, तो मैं आपको डबल बॉर्डर बनाकर बता देती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप डबल बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो डबल बॉर्डर बनाने के लिए हमें इस तरह से जितने भी फंदे लेने हैं उसके आधे फंदे हम डालेंगे। जैसे कि हमें 40 फंदे अगर लेने हैं तो हम 20 फंदे डालेंगे, और 20 फंदे हमारे ये फंदे खुल जाते हैं तो उससे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम ये खुलने वाले फंदे होते हैं, और इस तरह से हम इन फंदों को डालेंगे। तो फ्रंट साइड में हमें 27 फंदे रखने हैं, तो यहाँ पर मैं 14 फंदे डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 14 फंदे यानी 14 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब इन फंदों को हम इस तरह से बुनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट में आएगा 14। पहली सिलाई बुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, इसके बाद में सभी फंदे इसी तरह से बुन लेने हैं। अब ये रॉन्ग साइड की रो है, तो हम इसे उस साइड से, मैंने सीधी सिलाई बुनी है तो इस साइड से उल्टी सिलाई बुन लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, 2 राइट साइड से और 2 रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फंदे डाले थे अब इन्हें हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पकड़ लेंगे सिलाई को घुमाकर, और देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड से बुनने वाली नीडल्स ले ली है। तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से, जो धागा हम ये खींच कर देखेंगे, और इस धागा को निकालते हुए इस तरह से, देखिए इस तरह से, और ये जो हमारे फंदे हैं इसी तरह से निकलते हुए चले जाएंगे।
इस तरह से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ही निकलते हैं। जब आप फंदे डालें तो पहली सिलाई सीधी ही बुनें, तो ये फंदे इस तरह से आसानी से ओपन होते जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी फंदों को इस तरह से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर इन फंदों को हम इस सिलाई में ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम फंदों को सिलाई में ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाले फंदे मैंने निकाले हैं अभी, तो यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितने फंदे हम इस साइड में डालेंगे उतने का डबल फंदा हमारा इस साइड में निकल जाता है। तो अब हम इन दोनों फंदों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इन फंदों को एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से लेते हुए एक सिलाई में कर लेंगे। देखिए एक फंदा हमने इस साइड से ले लिया, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे। अल्टरनेट में दोनों सिलाई से एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से, इसी तरह से हमारा डबल बॉर्डर बन जाता है। बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है। तो इसी तरह से मैं इस सिलाई में पलट लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे मैंने एक सिलाई में इस तरह से उतार लिए हैं। अब ये वाली सिलाई हमारी फ्री हो जाती है और जिस सिलाई से हमें ये बॉर्डर बनाना है उसी सिलाई में से हम बुनना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने डबल साइड वाली नीडल ली है, तो ये फंदे हम इस तरह से घुमा लेंगे, इस साइड में ले लेंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा हमारा ये सीधा दिखाई दे रहा है, हम इसे सीधा बुनेंगे। और ये फंदा दूसरी साइड का है तो ये उल्टा दिखाई देगा, तो हम इसे धागा घुमाते हुए उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, इस साइड जो हमारी अपनी साइड में दिखाई देगा वो सीधा फंदा होगा, और जो उल्टी साइड में होगा दूसरी साइड में, उस फंदे को हमें उल्टा बनाना है। इस साइड का फंदा होगा उसे हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से आप ये देख भी सकते हैं, देखिए ये वाला फंदा सीधा दिखाई दे रहा है और ये वाला जो फंदा है वो उल्टा दिखाई देगा, तो इसे धागा घुमाते हुए इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर की एक रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैंने एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाया हुआ है। अब ये आती है हमारी सेकेंड रो। अब यहाँ पर आएंगे इस तरह से, साइड का फंदा उतारते हुए जो फंदा हमें जिस तरह का दिखेगा उसी तरह से हम इस रो को भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तो इसी तरह से इस सेकेंड रो को भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर की दो सिलाई, एक सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए दो सिलाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब ये जो थर्ड रो होगी इससे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये हमारी राइट साइड की रो है। राइट साइड इस साइड में आएगा और रॉन्ग साइड जो होगा बॉर्डर का वो इस साइड में आएगा। तो देखिए ये जो फंदा है, जो मैंने साइड का फंदा उतार लिया है, जो उल्टा फंदा दिखेगा उसे हम नॉर्मल इसी तरह से बुन लेंगे धागा घुमाते हुए। ये जो सीधा फंदा है सिलाई के फंदे से ना बुनते हुए इसके नीचे वाले फंदे से बुनेंगे, ये वाला फंदा ऊपर का नहीं बुनेंगे, इसके नीचे से इस तरह से सिलाई ले लेंगे और इस तरह से बुनते हुए इस फंदे को छोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उल्टे फंदे को हमें इस तरह से नॉर्मल बुन लेना है, फिर से धागा घुमाएंगे, इस फंदे को यहाँ से ना बुनते हुए इसके नीचे वाले सिलाई से बुनना है इस तरह से। फिर से धागा घुमाएंगे, ये फंदा उल्टा बुना, इस फंदे को सीधे फंदे को ऊपर वाली सिलाई के फंदे से ना बुनते हुए नीचे वाले फंदे से इस तरह से बुनते हुए चलेंगे, तो बॉर्डर हमारा थोड़ा सा अलग बनता है। देखिए यहाँ से हमने निकालेंगे नीचे की साइड से, इस तरह से फंदे बुन लेंगे। ये हमें सिर्फ राइट साइड की सिलाई में ही ध्यान देना है, राइट साइड की सिलाई में, राइट साइड के फंदे में, एक ही फंदे में इस तरह से हमें बुन लेना है। देखिए ये वाला फंदा यहाँ से ना बुनते हुए नीचे की साइड से इस तरह से फंदा निकाल लेंगे और उल्टा फंदा बुनते हुए इस सिलाई को, मैंने राइट साइड की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है।
अब यहाँ पर आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो रॉन्ग साइड की सिलाई में जो फंदा हमें जिस तरह का दिखेगा, साइड का फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा दिखाई देगा, हम उसे उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा दिखेगा, सीधा बुन लिया। फंदा उल्टा दिखा, उल्टा बुन लिया। सीधा है तो सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड में हमें कोई भी फंदा किसी तरह से नहीं, केवल जो फंदा जिस तरह से दिखेगा हम उसे उसी तरह से बना लेंगे। सीधा फंदा बनाएंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे। तो ये रॉन्ग साइड की रो हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तीन फंदे हम इस साइड में बुन लेंगे और तीन फंदे हम इस साइड में छोड़ेंगे, जो बटन पट्टी के फंदे होंगे। बीच वाले फंदे में हम बटन होल बनाएंगे। तो देखिए, साइड का फंदा इस तरह से उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। ये फंदा हम इस तरह से धागा घुमाते हुए, जो सिलाई में फंदा है उसे ना बुनते हुए, इसके नीचे में इस तरह से सिलाई को निकालेंगे और इस तरह से फंदा बना लेंगे। सिलाई में एक बार हम इस तरह से फंदा लपेट लेंगे और इन दोनों फंदों को हम एक साथ इस तरह से बुन देंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, बाकी के फंदे हमें उसी तरह से बनाने हैं। ये वाला फंदा हम यहाँ से ना बुनते हुए नीचे की साइड से इस तरह से बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, और ये वाला फंदा हम सिलाई के फंदे से ना बुनते हुए नीचे के फंदे से इस तरह से बुन लेंगे। तो इसे मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीन फंदे बुनने के बाद में बटन होल बनाया है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। 1 2 3, तीन फंदे से पहले हम बटन होल बनाएंगे, तो इन दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। देखिए, धागा हमारा इस साइड बैक साइड में है और यहाँ पर हम इस तरह से धागा एक बार इस तरह से लपेट लेंगे, और ये उल्टा फंदा है, ये सीधा फंदा है, इन दोनों फंदों को हम एक साथ इस तरह से बुन देंगे। अब यहाँ पर देखिए, धागा घुमाते हुए एक फंदा उल्टा बना देंगे, लास्ट का फंदा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको 10 सिलाई के बाद में 11 सिलाई में मैं बटन होल बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से साइड का फंदा उतारते हुए धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, और ये वाला फंदा हम फिर से उसी तरह से बुनेंगे। देखिए, यहाँ से ये वाला फंदा नहीं बुनेंगे, यहाँ पर इस तरह से बुनते हुए एक फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने जो फंदा घटाया था वही फंदा उल्टा बनने लग गया है जो बढ़ाया हुआ था। ये फंदा यहाँ से बुनते हुए बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं। बॉर्डर आप अपने हिसाब से बनाइएगा, 4 सिलाई का या 6 सिलाई का। मैं यहाँ पर 8 सिलाई का बना लेती हूँ, राइट साइड की 8 सिलाई और रॉन्ग साइड की 8 सिलाई। तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से आप बैक साइड का भी बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो चुका है फ्रंट साइड का, और यहाँ पर मैंने ये बटन होल बनाए हुए हैं। तो ये 10 से 11 सिलाई में हम बटन होल फिर से रिपीट करेंगे। जो 4 सिलाई मैंने बॉर्डर पलटने के लिए बनाई थी, उसके ऊपर मैंने ये काउंट की हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये रॉन्ग साइड की रो को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड का बॉर्डर हमारा बनकर कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपको बैक साइड का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लेना है। बैक साइड के बॉर्डर बनाने में बटन होल नहीं बनेंगे, केवल फ्रंट साइड में बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड के पार्ट का हमने बॉर्डर बनाकर इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो पहले हम बैक साइड का पार्ट बनाना सीखेंगे, इसके बाद में फ्रंट का। इस बॉर्डर में देखिए इतनी फिनिशिंग आती है, ये राइट साइड में है और ये रॉन्ग साइड में इस तरह से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है और इन 60 फंदों को मैंने डिवाइड भी कर लिया है। देखिए बैक साइड का पार्ट है और यहाँ पर मैंने ये दो फंदे रखे हुए हैं। 7 फंदे हम बटन पट्टी के लिए रखेंगे, 9 फंदे शोल्डर के लिए, 2 फंदे हमारे ये इस तरह से बीच में रहेंगे, और ये 24 फंदे हम बैक साइड के पार्ट में रखेंगे। इसके बाद में 2 फंदे फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, फिर 9 फंदे और ये बटन पट्टी के 7 फंदे। तो टोटल हमारे 60 फंदे इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिए हैं। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी डिवाइड किया है, 7 7 फंदे दोनों साइड में आएंगे, फिर इसके बाद में शोल्डर में आएंगे। तो 9 9 फंदे हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, 2 2 फंदे हमारे यहाँ पर हैं और 24 फंदे बीच में हैं। तो इसी तरह से मैंने डिवाइड कर लिया है 60 फंदों को। बॉर्डर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो 11 नंबर की सिलाई हम निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, पहले हम ये 7 फंदे जो हैं वो हम इन्हें उल्टा बुनेंगे। ये हमारी राइट साइड की सिलाई है, पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और इस फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये फंदे राइट साइड में उल्टे बुने जाएंगे और रॉन्ग साइड में भी उल्टे बुने जाएंगे।
तो ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। देखिए इस तरह से हमने बना लिया है 6 फंदे, एक फंदा हमने साइड का उतार लिया और 6 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए, तो 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो जाते हैं। अब देखिए धागा हम इस साइड में लाएंगे और इसके बाद में हम इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे। इन 7 फंदों को बुनने के बाद में एक फंदा इस तरह से हम बढ़ाएंगे। इस तरह से फंदा बढ़ाने में जाली नहीं बनेगी और फंदा भी हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आते हुए अब ये वाले फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब 9 फंदे बुनने के बाद में जो ये 2 फंदे आएंगे, इससे पहले हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। तो इस तरह से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों फंदों के दोनों साइड में इसी तरह से फंदे बढ़ेंगे। तो एक फंदा हमने इस साइड में बढ़ा लिया है, मार्क को हम इस साइड में कर लेंगे और ये 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे इस तरह से। ये 2 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद में ये वाला जो मार्क है इसे हम इस तरह से कर लेंगे। ये फंदा बुनने से पहले हम यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाएंगे, तो इस तरह से एक फंदा हम और बढ़ा लेते हैं। इन 2 फंदों के बाद में हमें फंदा तुरंत बाद बढ़ा लेना है और यहाँ पर आते हुए ये फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये 24 फंदे बैक साइड के हैं। तो यहाँ पर ये 24 फंदे बुनने के बाद में एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। देखिए ये 2 वाले फंदे आए हैं, तो इससे दोनों साइड में बढ़ाना है, तो इसे हम एक फंदा बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर ये वाला मार्क उतार लेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे, इन दोनों फंदों को मार्क इस तरह से इस सिलाई में ले लेंगे। अब यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे शोल्डर के लिए, इस साइड के लिए। तो यहाँ पर आते हुए ये 9 फंदे भी हम इस तरह से बुनते हुए चलेंगे। ये 9 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए। अब 9 फंदे हमारे इस तरह से बुन चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे 7 फंदे हमारे हैं, तो ये बटन पट्टी के हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक फंदा मैं और बढ़ा लूँगी इस तरह से। अब ये मार्क इस तरह से ले लेंगे, धागा अपनी साइड को कर लेंगे और ये फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे। ये 7 फंदे 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हमारे यहाँ पर बुने जा चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड की फर्स्ट रो बनकर इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पर मैंने ये बटन पट्टी के बॉर्डर बनाना शुरू किए हैं। तो यहाँ पर 6 फंदे बड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे एक सिलाई में बढ़ेंगे और ये फंदे हमें राइट साइड की सिलाई में ही बढ़ाना है। रॉन्ग साइड की रो हमें पूरी सिंपल बुन लेनी है। रॉन्ग साइड की सिलाई में हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। तो देखिए ये इस तरह से फंदा उतारेंगे, धागा घुमा लेंगे और ये फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये बटन पट्टी के फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से मार्क लगा रहने देंगे और ये देखिए ये बड़ा हुआ फंदा है, इसे हम इस तरह से बुन लेंगे। बड़े हुए फंदे को भी इसी तरह से बुनेंगे और ये सभी फंदे हम रॉन्ग साइड के बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से हम राइट साइड की सिलाई में आएंगे, तब यहाँ पर फंदे जहाँ पर बढ़ रहे हैं वहीं पर हमारे फंदे बढ़ते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं राइट साइड में, ये सेकेंड रो होगी जिसमें मैं फंदे बढ़ाऊँगी। तो इस तरह से हम, ये राइट साइड की सेकेंड रो है जिसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए ये वाले फंदे हमने बटन पट्टी के 7 फंदे इस तरह से बुन लिए हैं। अब आप चाहें तो ये मार्क को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आपको 7 फंदे दिख रहे हैं आपको कि ये उल्टे बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर आते हुए धागा बैक करेंगे और एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। फंदा बढ़ाने के बाद में ये फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2
यहाँ पर जो फंदा बढ़ेगा वो बढ़ते हुए दोनों साइड में बढ़ते हुए चलेंगे फंदे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक फंदा बढ़ा लिया था, अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये वाला फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे और इन दो फंदों से पहले जो फंदा हम ये बुन चुके हैं, इन्हीं फंदों से हम इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे इन दोनों फंदों से पहले। तो यहाँ के मार्क हम नहीं हटाएंगे। तो देखिए, एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है और ये फंदे हम सीधे बुनेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। एक फंदा हमने बढ़ा लिया है और ये फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो ये जो बीच के फंदे हैं इन्हें हम बना लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड के फंदे हमने बुन लिए हैं इस तरह से। ये दो फंदे हैं जो हमने बीच के रखे हैं, तो यहाँ पर आते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब ये वाले फंदे हम सीधे बनाएंगे, मार्क को इधर ले आएंगे और ये फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर से ये वाला फंदा हम ये मार्क इधर कर लेंगे और यहाँ पर एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। इन दो फंदों के बीच में इस साइड में भी फंदा बढ़ेगा और इस साइड में भी, दोनों साइड में फंदे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम ये वाले फंदे, जो 9 फंदे हमने छोड़े थे, यहाँ पर फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे और बटन पट्टी बनाने से पहले एक फंदा हम और बढ़ाएंगे। देखिए, ये वाले हमने फंदे बुन लिए हैं, अब इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे। आप और भी तरीका अगर आपको आता है फंदे बढ़ाने का तो आप उस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। और ये वाला मार्क हम हटा देंगे, धागा इस तरफ घुमा लेंगे अपनी साइड को और ये फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पर ये वाला मार्क हमने हटा दिया है क्योंकि जो बटन पट्टी के 7 फंदे हैं उन्हें हम राइट साइड में इस साइड को ही बुनेंगे उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मार्क हम लगे रहने देंगे क्योंकि ये दो बीच के फंदे हमें पहचानने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, एक सिलाई में 6 फंदे बढ़ेंगे। जब फंदे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम सर्कल वाली सिलाई में फंदे ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड की दो सिलाई में हमने फंदे आपको बढ़ाकर बता दिए हैं। इसी तरह से आपको 18 सिलाई में और बना लेना है, तो हमारी 20 सिलाई हो जाएंगी जिसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बैक साइड का पार्ट बनकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने राइट साइड के 20 सिलाई में फंदे बढ़ाए हैं और 20 सिलाई रॉन्ग साइड में हमने सिंपल बुनी हुई हैं। तो ये इस तरह से मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर बैक साइड का पार्ट इतना बनाकर आपको छोड़ देना है। इसके बाद में आप फ्रंट पार्ट का बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से ही कंप्लीट करके रखा है। फ्रंट साइड का बैक साइड के पार्ट को देखेंगे, जितना मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है उतना ही यहाँ पर इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हम यहाँ पर बटन पट्टी के बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बटन पट्टी के 7 फंदे ही बनाएंगे और जहाँ पर ये फंदे बढ़ाए थे सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हमें फंदे बढ़ाने हैं। साइड का फंदा उतार लेंगे, धागा घुमाते हुए 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने, यानी 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंदे बुनने के बाद में अगर आप चाहें तो मार्क इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको ध्यान रहता है तो फिर आप ये मार्क ना लगाएं या एक दो सिलाई में लगा लें, इसके बाद में निकाल दें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम एक इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। 7 फंदे बुनने के बाद हमें फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ पर इस फंदे को हम सीधा करेंगे और इन फंदों को हम 7 फंदे इस साइड में रह जाएंगे तब तक सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से हम फंदों को सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 फंदे बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे, मार्क लेंगे और इस फंदे को हम धागे को अपनी साइड में घुमाते हुए ये 6 फंदे हम 7 फंदे उल्टा बना लेंगे। इस तरह से 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। अब रॉन्ग साइड की पूरी रो हमें बनाकर कंप्लीट कर लेनी है।
देखिए रॉन्ग साइड की रो में हम साइड का फंदा इस तरह से उतारेंगे, धागा घुमा लेंगे और इस तरह से बुनते हुए रॉन्ग साइड की रो को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये बढ़ा हुआ फंदा है तो इसे हम इस तरह से एक बार इस साइड से घुमाकर बुन देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की रो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आएंगे राइट साइड की रो में। राइट साइड की रो में ही हमें ये फंदे उल्टे बनाने हैं। रॉन्ग साइड की रो में पूरी रो उल्टी बना लेनी है। राइट साइड की रो में ये 57 फंदे हम एक फंदा उतारेंगे, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 फंदे बढ़ाने के बाद में मार्क को हम इस साइड में ले लेंगे, एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। राइट साइड की सिलाई में ही हमें फंदे बढ़ाने हैं और इस तरह से हम ये फंदे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में आपको बताया है कि राइट साइड की सिलाई में ही हमें फंदे बढ़ाने हैं, रॉन्ग साइड की पूरी रो को सिंपल बुन लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स बैक साइड के पार्ट को बनाने के लिए हमने राइट साइड की 20 सिलाई में यानी 20 सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए हुए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 20 सिलाई में ही राइट साइड की फंदे बढ़ा लेते हैं, बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह से मैंने बैक साइड में फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से मैंने राइट साइड की 20 सिलाई में फंदे मैंने बढ़ाकर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें टोटल 40 फंदे बढ़े हुए हैं। इसमें मैंने 27 फंदे डाले थे तो 40 फंदे मैंने यहाँ पर बढ़ाए हैं 20 सिलाई में, तो 20 फंदे इस साइड में बढ़े हैं और 20 इस साइड में, तो 40 फंदे यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बटन होल बनाए हुए हैं, 10 सिलाई बुनने के बाद में 11 सिलाई में, फिर से 10 सिलाई बुनने के बाद में 11 सिलाई में, तो इसके ऊपर 1 2 3 4 इस तरह से मैंने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है तो ये मैं आपको अलग से बनाकर एक वीडियो में बता दूँगी। अब बैक साइड का पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पर मैंने 60 फंदे डाले थे, 60 फंदों को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया बॉर्डर बनाने के बाद में। फिर यहाँ पर मैंने इस ये जो सिलाई बनाई है मैंने, तो यहाँ पर 6 फंदे हर सिलाई में राइट साइड की बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा यहाँ पर बढ़ेगा, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 6 फंदे हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 हर सिलाई में 6 फंदे बढ़ने के हिसाब से 20 सिलाई में हमारे 120 फंदे बढ़कर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर पूरे राउंड में 180 फंदे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे जोड़ना सीखेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम देखिए इस तरह से आएंगे। देखिए एक धागा हमारा इस साइड में है, ये जो बैक साइड का पार्ट है इसका धागा इस साइड में रहेगा और जो फ्रंट का है वो इस साइड में है। मैंने रॉन्ग साइड की सिलाई बनाकर कंप्लीट की है। अब यहाँ पर राइट साइड की सिलाई बुनेंगे। तो इस तरह से हम इसे जोड़ना सीखेंगे। पहले ये 7 फंदे बटन पट्टी के जो इसमें 7 फंदे होंगे उन्हें मैं इस सिलाई में ले लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बटन पट्टी के 7 फंदे बैक साइड के पार्ट से उतार लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर सर्कल वाली मैंने नीडल ली है इसलिए मैंने ये 7 फंदे उतार लिए हैं क्योंकि ये उल्टी साइड को पड़ रही है। अब यहाँ पर आएंगे देखिए इस तरह से और ये इसे आगे की साइड में इस तरह से रखेंगे, इसे ऊपर रखेंगे और ये बैक पार्ट को पीछे रखेंगे और इसके 7 फंदे, ये 7 फंदे हम दोनों को एक साथ मिलाते हुए बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये वाला फंदा हम इस तरह से लेंगे और इसके बैक साइड वाला ये वाला फंदा जो है पहला फंदा इसे भी हम इस तरह से सिलाई में ले लेंगे इस तरह से और धागा हम इस तरह से निकालेंगे और ये दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। देखिए इन दोनों फंदों के बीच से हमने इस तरह से फंदा निकाल लिया है। अब इन दोनों फंदों को हम दोनों इस साइड का सिलाई का और ये वाली सिलाई का दोनों फंदे हम इस तरह से उतार देंगे। अब अगला फंदा बुनेंगे तो इन दोनों फंदों को हम इस तरह से ले लेंगे देखिए इस तरह से और इन्हें हम दोनों को एक साथ बुन देंगे इस तरह से।
दोनों फंदे एक साथ मिलाकर बुनना है इस तरह से। ये देखिए तीन फंदे हमने निकाल दिए हैं, चार, पांच, छः, सात, बटन पट्टी के सेवन फंदे हमने मिलाकर इस तरह से बुन लिए हैं। अब ये सिलाई हमारी फ्री हो जाएगी। अब ये वाले फंदे हम इस तरह से बुनते हुए चलेंगे। जो फंदे जैसे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कुछ फंदे सीधे बना रखे हैं, इसके बाद में मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी, फिर से ये सीधे फंदे बनाएंगे और फिर यहाँ पर आ जाते हैं इन बटन पट्टी के सेवन फंदों तक मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको इस साइड के फंदे जोड़ना बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेवन फंदे बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो बटन पट्टी के फंदे हैं वही बचे हुए हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये बैक साइड पार्ट का ये दूसरी साइड है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला धागा है, तो इसे हम एक धागा कट कर देंगे। जिस धागे से हम बुन रहे हैं उसी धागे को हम आगे भी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों सिलाई के फंदों को हम इस तरह से ले लेंगे और दोनों फंदों को हम इस तरह से मिलाते हुए बुनेंगे। देखिए ये वाला फंदा ले लिया और इस साइड का फंदा, दो फंदों का हम एक फंदा करेंगे और फिर से आते हुए दो फंदे का एक फंदा, फिर आएंगे यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा, इस तरह से एक भी फंदा ज़्यादा भी नहीं कम होगा, क्योंकि हम एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से, दोनों सिलाई से एक एक फंदा ले रहे हैं, तो सेवन फंदे ही बंद होंगे। इस तरह से अब यहाँ पर आते हुए इन फंदों को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये सेवन फंदे इस तरह से यहाँ पर भी बना लिए हैं और इस साइड में भी सेवन फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये सारे फंदे हम एक राउंड इस तरह से बुनते हुए आएंगे यहाँ पर, जहाँ से मैंने शुरुआत की है। तो यहाँ पर आप मार्क भी डाल सकते हैं। बैक साइड के पूरे फंदे का एक राउंड मैं बना लेती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा राउंड मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जहाँ से मैंने फ्रंट साइड के ये फंदे जोड़े थे। ये देखिए, ये बैक साइड का पार्ट है और ये फ्रंट का। यहाँ पर मैंने सेवन फंदे बटन पट्टी के दोनों एक साथ बुने थे, वहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ से हमारा राउंड शुरू होगा, तो यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे और अगले वाले फंदे हम इस तरह से बुनेंगे। तो यहाँ पर एक राउंड मैं बुन चुकी हूँ, दो राउंड और बुनेंगे। ये हमारा दूसरा राउंड है, एक और बना लेंगे, यानी हमें तीन राउंड यहाँ पर बनाने हैं। तो एक मैं बना चुकी हूँ, दूसरा ये बना रही हूँ, एक और बना लेंगे तो तीन राउंड हो जाएंगे। इसके बाद में ये जो स्लीव हैं ये हम अलग करेंगे और बैक साइड का फ्रंट पार्ट हम एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ पर दो राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थ्री राउंड बनाकर, यानी तीन राउंड बनाकर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। जब से मैंने ये सेवन फंदे जोड़े थे, तब से ये पहला जिसमें मैंने फंदे जोड़े वो राउंड और दो राउंड और बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम ये वाले फंदे जो फ्रंट साइड के हैं, देखिए इस तरह से यहाँ से हमने बुनना शुरू किया था, यहाँ से फंदे जोड़ने शुरू किए थे। तो यहाँ से एक राउंड बना था, फिर दूसरा राउंड बना और तीसरा राउंड मैंने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को हम जो फ्रंट साइड के फंदे आएंगे, इन्हें हम इस तरह से बुनते हुए ये जो ये शोल्डर के फंदे हैं यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये सेवन फंदे जोड़े थे, यहाँ तक बनाकर इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी आप यहाँ पर अगर डिज़ाइन डालना चाहते हैं, तो जब ये यहाँ से फंदे जोड़े जाएंगे तो आप इन चीज़ को ध्यान रखें, ये सीधी सीधी सिलाइयाँ बनेंगी, उल्टी सिलाइयाँ बननी बंद हो जाती हैं। तो उल्टी सिलाई आपको इसी साइड से बनानी पड़ेगी, तो इस चीज़ को डिज़ाइन को ध्यान में रखकर बनाइएगा। अब ये फंदे हम बुन लेते हैं फ्रंट साइड के।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फोर रो बननी शुरू हो चुकी है। जब से मैंने ये स्टिच जोड़े हैं, फ्रंट साइड है, इसके सारे फंदे मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर आप पहले से मार्क भी लगा के रख सकते हैं जब इन फंदों को जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ फंदे दिख रहे हैं। देखिए, इस फंदे को इस तरह से उठाएंगे तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है फंदा। इस फंदे से लेकर और इस फंदे तक, देखिए यहाँ तक आएंगे 49 फंदे हैं यहाँ तक। तो इस तरह से इन फंदों को हम, अगर आपके पास स्टिच होल्डर है तो आप उसमें भी उतार सकते हैं। मैं यहाँ पर धागा में उतार के रख दूँगी। तो जितने भी फंदे शोल्डर में हैं इस तरह से उतार लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फंदे मैंने इस तरह से उतार लिए हैं। ये जो दो फंदे हैं, जो मैंने ये दो फंदे बीच से, यहाँ से जब मैंने इन फंदों को डिवाइड किया था, तो यहाँ से दो फंदों का बीच हमने इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर बनाते हुए आए हैं। तो इन फंदों को हम बैक साइड में ले लेंगे। बाकी के जो ये फंदे हैं, जो बड़े हुए फंदे हैं, इन्हें मैं इस तरह से शोल्डर में छोड़ दूँगी। देखिए, इन फंदों को हम इस तरह से बांध के छोड़ देंगे। ये जो फ्रंट साइड के फंदे हैं इस तरह से मैंने बुन लिया है। अब यहाँ पर धागा को थोड़ा आप टाइट करके रखें और इस तरह से ये बैक साइड के फंदे बुनना शुरू करें। तो देखिए, इस तरह से हम बुनना शुरू करेंगे। धागा थोड़ा टाइट रखें एक दो सिलाई में, ताकि यहाँ पर कोई गैप ना आ सके। देखिए, इस तरह से बुनते हुए ये बैक साइड के फंदे बुनेंगे कि ये सारे बैक साइड के फंदे हैं। और यहाँ तक हम बुन लेते हैं, जो ये दो फंदे यहाँ से आते हुए आए हैं, तो इन्हें हम बैक साइड में बुन लेंगे। जो इस साइड के फंदे हैं वो हम फिर से शोल्डर में इस तरह से सेव कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड के फंदे हमने यहाँ पर बुना कर कंप्लीट कर लिए हैं। ये दो फंदे हैं ये मैंने बैक साइड में बुन लिए हैं। अब बाकी के जो ये फंदे हैं, इन्हें हम फिर से इस तरह से स्टिच होल्डर में या इस तरह से सुई में आप धागा डाल लें, इसमें भी आप सेव करके रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे हमने निकाल लिए हैं इस तरह से। अब देखिए, इसके आगे से ये फ्रंट पार्ट शुरू हो जाता है इस स्टिच के सामने से। देखिए, यहाँ पर भी इस साइड में आप ये देख सकते हैं स्टिच को, और इस साइड में भी मैंने आपको इस तरह से दिखाया था, इस तरह से। तो ये दोनों साइड के इस तरह से देख लीजिएगा। जब फ्रंट साइड शुरू हो उससे पहले ही हमें ये इस तरह से फंदे ले लेने हैं। ये बैक साइड के फंदे हैं और यहाँ से हम इस तरह से बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पर फंदे थोड़ा टाइट रखें दो एक सिलाई में, इस तरह से बुनते हुए ये फंदे हम चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये शोल्डर के फंदे मैंने बांध कर छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर ये फंदे हमारे फ्रंट साइड के हैं और ये बैक साइड के, तो इतने ही फंदे हमें इस तरह से बुनने हैं।